मुखबिर की सूचना पर हनुमना पुलिस ने घेराबंदी कर बुलेरो कार सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई गाड़ी की तलाशी लेने पर 580 सीसी नशीली कप सिरप बरामद हुआ है। वहीं दूसरी कार्यवाही में दुकान से गांजा बरामद किया गया है। दूसरी कार्यवाही में पुलिस ने 2 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हनुमना थाना प्रभारी शैल यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कल्लू उर्फ कालू उर्फ कौशलेश पटेल निवासी दुबगवा अपनी दुकान से गांजे की बिक्री करता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसकी दुकान में दबिश दी, जहां 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। वहीं दूसरी कार्यवाही में पुलिस ने बोलेरो क्रमांक MP 53 CA 2016 को रोक कर तलाशी ली, जिसमें 580 सीसी नशीली कप सिरप बरामद हुई है, जिसकी कीमत 87,000 बताई जाती है। बोलेरो सवार से पूछताछ करने पर उनकी पहचान नरेंद्र सिंह चौहान उर्फ छोटू पिता कमलभान चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी जमोडी खुर्द थाना जमोडी जिला सीधी और रोहित कुमार जायसवाल पिता शिवप्रसाद जायसवाल उम्र 24 वर्ष निवासी करौंदिया थाना जमोडी जिला सीधी के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि तस्कर उत्तर प्रदेश से कफ सिरफ लेकर सीधी जा रहे थे, जिन्हें हनुमना में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें दो कार्रवाइयाँ कल हमारे यहाँ से नशे के खिलाफ हुई हैं। एक मादक पदार्थ गांजा में और एक मादक पदार्थ कोरिक्स में। पहली कार्रवाई हम लोगों को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कौशलेश पटेल उर्फ कल्लू निवासी दुबगवा अपने दुकान से मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करता है, जहाँ पे हम लोग ने दबिश दिया था। दबिश दे करके और कल्लू पटेल की दुकान से हम लोगों ने 2 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया था। और उसके बाद फिर देर रात हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि यूपी तरफ से कप सिरप की खेप लेकर के दो तस्कर सीधी जिला जाने वाले हैं, और जिसमें बलोरिस कफ सिरप की खेप जाने वाली है। उसको हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए यहाँ हनुमना बॉर्डर पे पकड़ा है और कुल 580 सीसी कफ सिरप जब्त हुई है। दो आरोपी क्रमशः नरेंद्र सिंह चौहान एवं रोहित जायसवाल 580 सीसी कफ सिरप तथा एक बलेरो MP 53 TA 2016 जब्त हुई है। जब्त करके आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिनको आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से हमें जेल वारंट प्राप्त हुआ है, आरोपियों को जेल दाखिल किया है।